मंथली करंट अफेयर्स लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। आप रेगुलरली देख रहे हैं मंथली करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। मैं ये बता दूं कि आप किसी एक पर्टिकुलर मंथ का एक करंट अफेयर सर्च करेंगे ना, तो आपको एक एक डेट का 50-50 न्यूज बता दे रहे हैं। करंट अफेयर्स क्या इंपॉर्टेंट है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज आप अननेसेसरी उसको पढ़ते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके पीछे एक एक्सपीरियंस का होना भी बहुत ज़रूरी है कि पिछले 20 साल में किस तरह के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं झारखंड के एग्जाम्स में, उसको फोकस करते हुए करंट अफेयर्स को सेलेक्ट करना, टॉपिक को सेलेक्ट करना। इसलिए आप देखेंगे मेरे किसी भी इसमें करंट अफेयर्स में देख ले, जनवरी, फरवरी, मार्च का, तो इवन अप्रैल का, तो आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर्स कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको सेलेक्ट करना करने का एक पॉलिसी होता है कि वो अब तक किस तरह के कौन सा पैटर्न को फॉलो करते हुए ऐसे करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, उसी को फोकस करते हुए करंट अफेयर्स का मैं सीरीज लेकर आता हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है उसी को आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। चलिए अब बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स में किस माह की, तो जो प्रीवियस मंथ जो होता है आप जान रहे हैं, जैसे अब हम लोग बात किसी करेंगे तो मई माह की। मई माह के करंट अफेयर्स कल आपको जून के फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट जून को आपको ये दिखेगा। चलिए अब देख लेते हैं, बात करते हैं कि करंट अफेयर्स जो मई महीने में हुआ क्या हुआ। तो सबसे पहला, अगर पहला न्यूज करंट अफेयर्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है वहीं से शुरू करते हैं। पहला जो है वो है क्या कि एक अभियान चला। अभियान क्या है देखिए इसको, जन शक्ति से जल शक्ति। सबसे पहले तो इसका यही सवाल कि जन शक्ति से जल शक्ति अभियान कहाँ चलाया गया। तो ये जन शक्ति से जल शक्ति अभियान जो है ये चलाया गया खूंटी जिला में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। ये अभियान क्या था इसके बारे में जान लीजिए। तो जन शक्ति से जल शक्ति क्या हो गया कि गवर्नमेंट, जो एनजीओ और पब्लिक तीनों को मिलाकर एक ऐसा अभियान लाया गया जन शक्ति जल शक्ति, जिसमें क्या क्या बोरी से, जो बोरी होता है बोरी में बालू डालकर पानी को रोका गया, बोरी बांध बनाया गया। लगभग 270 प्लस बोरी बांध बनाया जा चुका है खूंटी में। और इसमें क्या हुआ है कि जो वहां के कई प्रमुख नदियां जो सूख जाती थी उसका जल स्तर अभी बना हुआ है इस भयानक गर्मी में भी, और सिंचाई के लिए भी लाभदायक साबित हो रहा है। तो जन शक्ति से जल शक्ति अभियान जो है ये खूंटी जिला में है। बेसिकली क्या है इसमें, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बोरी बांध द्वारा पानी को रोकना, बोरी बांध से पानी को रोकना एकदम सफल है। ये न्यूज इसलिए बना कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम होता है मन की बात, उसमें इसका उल्लेख किया गया कि बहुत ही सफल रहा है, इसीलिए इसको जानना जरूरी है, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो क्या है कि एक महोत्सव हुआ, देवनाथ दामोदर महोत्सव। दामोदर नदी को देवनाथ बोला जाता है जानते हैं, लेकिन दामोदर नदी आप जानते हैं कि झारखंड के कई जिलों से गुजरती है। तो ये महोत्सव हुआ कहाँ, ये इम्पोर्टेंट प्लेस इम्पोर्टेंट हो जाता है, देवनाथ दामोदर महोत्सव। और ये महोत्सव जो है मनाया गया कहाँ, रजरप्पा किस ज़िले में है, रामगढ़। इम्पोर्टेंट हो जाता है ये सब। अब दामोदर का नाम आएगा तो बहुत सारा जिला का नाम आपके दिमाग में कौन देगा, लेकिन अगर आप नहीं फोकस्ड रहेंगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ हुआ। ये जो ये एक बृहद आयोजन था जिसमें राज्यपाल भी उपस्थित हुए थे। चलिए एक नाम जो वर्तमान में न्यूज में है और इम्पोर्टेंट बन जाता है वो है समीर पांडे। अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट कर दीजिए, लिखने के दौरान ही कमेंट आपका आ जाना चाहिए। समीर पांडे क्यों समीर पांडे न्यूज में है, ये है पहले कहाँ से, तो ये है जमशेदपुर, ठीक है। समीर पांडे ये न्यूज में क्यों है, तो समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में क्या चुने गए हैं, लॉर्ड मेयर चुने गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, मेयर चुने गए समीर पांडे जो जमशेदपुर से संबंधित हैं। और ये जिस शहर के मेयर लॉर्ड मेयर चुने गए उनका नाम है पैरामाटा सिटी। ये कहाँ हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पैरामाटा सिटी के मेयर कौन चुने गए हैं, समीर पांडे, इसलिए ये न्यूज बन जाता है। चलिए चौथा जो इम्पोर्टेंट बात है उसको देख लीजिए, तो मॉडल पंचायत झारखंड में 50 मॉडल पंचायत बनाए जाएंगे। ये 50 मॉडल पंचायत जो बनेगा कैसे बनेगा उसको देख लीजिए। तो यहाँ है किला, एक किला एक
क्या है इसको पहले सबसे पहले जानिए। तो किला क्या है? किला है केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पहले इसको जानिए, केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ये किला क्या है? किला के सहयोग से झारखंड सरकार, किला के सहयोग से झारखंड गवर्नमेंट क्या करेगी, 50 मॉडल पंचायत बनाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, 50 मॉडल पंचायत बनेगी। जब मॉडल की बात आ रही है तो कुछ आगे बढ़ते हैं और मॉडल से रिलेटेड ही न्यूज़ पे फोकस करते हैं। जैसे मॉडल पंचायत बनाया जा रहा है वैसे कुछ विद्यालय को लेकर भी किया गया है। सबसे पहले देख लीजिए कि उत्कृष्ट विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय, ये सीधे सीधे आपसे संख्या पूछा जाएगा कितने विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय की श्रेणी में रखा गया है। तो उत्कृष्ट विद्यालय जो घोषित किया है झारखंड सरकार के द्वारा, ये है 80। फिर इसी में विद्यालय से ही जुड़ा हुआ, चलिए देख लीजिए क्या है इसमें, है प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय, प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय। उत्कृष्ट और आदर्श विद्यालय में यहाँ अंतर हो रहा है, इसको गौर करेंगे। विद्यालय, चलिए इसको सातवां देख लेते हैं, इसके बाद संख्या लिख देंगे। पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय, पंचायत, ये सरकार की उपलब्धि है इसलिए इस तरह के सवाल जरूर पूछे जाएंगे, फोकस रखिएगा इसमें। पंचायत स्तरीय क्या हो गया? आदर्श विद्यालय। तो प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय जो है इसकी संख्या है 325। बात किसके घर, प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय की, और पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय की जो संख्या है 4091, यानी 4091। मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसमें फोकस रखिएगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, ये सरकार की उपलब्धि है इसलिए इसे सवाल पूछे जाएंगे। चलिए अब पहुँच गए हम लोग 8 नंबर में। अब इसमें क्या है कि देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या है कि एम्बुलेंस बोट सर्विस, वाटर बोट एम्बुलेंस सर्विस, हिंदी में ही लिख देते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। वाटर, जो सवाल आपका इसी तरह, वाटर बोट माने पानी में चलता हुआ एम्बुलेंस, वाटर बोट एम्बुलेंस सर्विस किस ज़िले में शुरू हुआ? जान रहे हैं तो कमेंट कर दीजिए, नहीं जान रहे तो कोई बात नहीं, देख लीजिए। वाटर बोट एम्बुलेंस सर्विस जो है ये शुरू हुआ साहेबगंज जिले में, गंगा नदी पे होगा, कहाँ? गंगा नदी पे। गंगा नदी में किस क्षेत्र में इसको बोला जाता है? दियारा बेल्ट, दियारा क्षेत्र। और आप जानते हैं दियारा क्षेत्र जो है झारखंड में दो ब्लॉक आता है दियारा क्षेत्र में, इसको भी जान लीजिए, दो ब्लॉक आता है, एक आता है राजमहल ब्लॉक और एक आता है उधवा ब्लॉक। ये दो ही ब्लॉक ऐसा है जहां दियारा बेल्ट है, कहां? झारखंड में। दियारा किसको बोला जाता है? गंगा नदी के तट पर छोटा छोटा टापू जैसा बहुत सारा उपजाऊ भूमि वाला जगह होता है, उसको दियारा बेल्ट बोला जाता है। चलिए 8 नंबर हो गया। अब नौवां न्यूज जो है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो नौवां न्यूज में क्या देखना है, देख लेते हैं कि जो NGT है, नेशनल ग्रीन टर्मिनल, उसका क्या कोई ऑर्डर आया हुआ है, उस ऑर्डर को जानते हैं। नेशनल NGT, ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, NGT का एक ऑर्डर आया है। NGT का ऑर्डर क्या है? तो NGT का ऑर्डर है कि जो साहेबगंज जिले में जो पत्थर खदान चल रहे थे, ब्लैक स्टोन की जो कारोबार होती है साहेबगंज जिला, आप जानते हैं इसको, वो काफ़ी समय से ये न्यूज़ में है। तो ये पत्थर कारोबार जो है, इसके कारण जो राजमहल हिल्स को नुकसान हुआ, इसके लिए 300 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। 300 करोड़ का जुर्माना है, किस लिए दिया गया? अगर राजमहल पहाड़ी को बर्बाद, राजमहल हिल, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र को, ये कारण पूछेगा कि क्यों पेनल्टी किया, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र को बर्बाद जो किया गया, पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो नुकसान पहुंचाया गया है, ये है कारण उसका। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र को बर्बाद करने के कारण NGT 300 करोड़ का जुर्माना लगाता है। ये जुर्माना क्या है, तो इसमें देख लीजिए, जो ये जो जुर्माना है ये सॉरी ये मिनिमम 36
जुर्माना जो है 36 लाख से 1 करोड़ के बीच का ये राशि है, कम से कम 36 लाख और ज़्यादा अधिकतम 1 करोड़। और ये 203 ऐसे प्लांट को जुर्माना किया गया है, 203 प्लांट्स को, 203 ऐसे प्लांट्स जो क्या कर रहे थे कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में पत्थर खनन के कारण पर्यावरण को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। उस नुकसान की भरपाई के लिए एनजीटी ने यह निर्देश दिया है, 300 करोड़ जुर्माना इससे कलेक्ट करना है 203 प्लांट से, जो कम से कम 36 लाख और अधिकतम 1 करोड़ का ये जुर्माना लगेगा। चलिए अब इसको आगे बढ़ने के लिए मिटाना पड़ेगा, आगे से मिटाते हैं। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पोर्टिंग इवेंट को देख लेते हैं। 10 नंबर, 9 तो नीचे हो चुका था, 10 नंबर। इसमें क्या हुआ कि रांची में एक खेल का आयोजन हुआ, उसको जानना बहुत जरूरी है, फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, फेडरेशन कप सीनियर, यह किसी अंडर एज कैटेगरी का नहीं है, एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये कहाँ हुआ आयोजन ये जानना है। चैंपियनशिप इसका जो आयोजन हुआ, इसका आयोजन रांची में हुआ, लेकिन रांची में कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन हुआ बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, ये मोरहाबादी में है, रांची। चलिए कहाँ हुआ ये, फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, कहाँ, रांची में हुआ इसका आयोजन, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है। अब इसमें क्या है कि एक तो इसका आयोजन स्थल जो आपके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट हो गया रांची, अब इसमें क्या है, इसमें मेडल, अब मेडल में क्या है कि झारखंड को से कोई मेडल मिला, तो झारखंड को इसमें क्या हुआ कि 2 मेडल मिला है, इसमें झारखंड को 2 मेडल मिला है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसी स्पोर्ट्स में मेडल जो मिला है उसको देख लेते हैं। पहला मेडल जो मिला वो मिला आशा किरण बारला को, आशा किरण बारला, ये आशा किरण बारला को मिला कांस्य पदक। और किसमें मिला आशा किरण बारला को कांस्य पदक, तो इसको मिला 400 मीटर के दौड़ में, इवेंट हो गया 400 मीटर, मिला मेडल कांस्य प्लेयर का नाम आशा किरण बारला। एक और मेडल है, 2 ही मेडल मिला इसको फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, झारखंड को 2 मेडल मिला। और दूसरा मेडल जो मिला वो है सपना कुमारी, सपना कुमारी, और सपना कुमारी को जो मेडल मिला वो है कांस्य, यानी झारखंड को इसमें 2 कांस्य पदक प्राप्त हुआ। और ये क्या है, तो ये 100 मीटर का हर्डल रेस है, ये 400 मीटर का रेस था, ये हर्डल रेस, 100 मीटर का हर्डल रेस में किसको मिला, सपना कुमारी को मिला कांस्य पदक। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप रांची में हुई उसमें झारखंड को 2 पदक प्राप्त हुआ। एक और स्पोर्टिंग इवेंट जानना जरूरी हो जाता है, उसमें क्या है कि राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स का आयोजन हुआ था तिरुअन्नामलाई में। क्या राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर लिख ही दे रहे हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना, ये सब स्पोर्ट्स से पूछेगा ही पूछेगा। राष्ट्रीय फेडरेशन कप, यहाँ जूनियर है, ठीक है, जूनियर एज ग्रुप अंडर 20, राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स का जो आयोजन हुआ ये तिरुअन्नामलाई में हुआ। इम्पॉर्टेंट इसलिए बन गया क्योंकि इसमें झारखंड को मेडल मिला, इसलिए इससे कुछ भी पूछा जा सकता है कहाँ आयोजित हुआ था, इसलिए ये जानना जरूरी है। तिरुअन्नामलाई में हुआ था ये इसका आयोजन, राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स, और इसमें आशा किरण बारला को, वही प्लेयर देखिए, आशा किरण बारला को क्या हुआ था कि इसमें इसको मिला गोल्ड, आशा किरण बारला को गोल्ड मेडल मिला किसमें, तो राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर
इसमें बेसिकली ये प्लेयर किसकी है, तो 800 मीटर रेस की प्लेयर है ये, ठीक है, गौर कीजिएगा, ये 800 किलो, लेकिन ये छोटा कम दूरी के इसमें भी भाग लेती है। ये स्पोर्ट्स को लेकर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ था मई महीने में, उसको मैंने कवर किया। चलिए अब तेरवा क्या है कि आयुष्मान भारत योजना जो है, तो आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत झारखंड में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बनाया गया। इम्पॉर्टेंट क्या हो गया, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल या अस्पताल, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल कितना, 50 बेड का, ठीक है, 50 बेड का क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल किस योजना के तहत बना, मैंने कहा आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल झारखंड में कितना, दो, चलिए दोनों का नाम जानना जरूरी हो जाता है, एक हो गया धनबाद में और दूसरा लातेहार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज, धनबाद और लातेहार दो ऐसा जगह जहां क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बना। अब चलिए आगे बढ़ने के लिए नीचे मिटा देते हैं, पहले 14 में देखते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि झारखंड और बंगाल को लेकर सीमा विवाद आरंभ हो गया, और यह सीमा विवाद जहां आरंभ हुआ है वो बोकारो और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के बीच में जंगल का क्षेत्र है, वो जगह का नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्या हो जाएगा ये सेवाती घाटी, ये सीधा सीधा सवाल है, सेवाती घाटी के में किसके किसके बीच विवाद है, तो ये सेवाती घाटी जो है ये हो गया झारखंड बंगाल के बीच सीमा विवाद, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच। इसमें जो एक और बात पूछा जा सकता है कि सेवाती घाटी कहाँ है, तो ये बोकारो में है, बोकारो जिला में, और बंगाल की ओर से जो जिला विवाद में है, चलिए उसको देख लेते हैं, जिस जिला के साथ विवाद है पुरुलिया, इसलिए ये जानना जरूरी हो गया, ये एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। चलिए 15 नंबर, अब क्या है कि झारखंड में क्या हुआ कि जो बड़े शहर हैं वो सीधे सीधे राजधानी से जुड़े हुए हैं रेलवे के नेटवर्क से, जमशेदपुर भी रेलवे से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके लिए रांची से मुरी जाना पड़ता है, फिर मुरी से जमशेदपुर के लिए रूट मिलती है रेलवे की। अब ये निर्णय लिया गया और बहुत ही जल्द इसमें काम भी शुरू हो जाएगी, सीधे सीधे नामकुम से कांडरा रेल नेटवर्क, नामकुम कांडरा रेल नेटवर्क ये जो नामकुम कांडरा रेल नेटवर्क है क्या है, ये है रांची को टाटा से जोड़ने का, रांची जमशेदपुर या रांची टाटा को जोड़ने के लिए रेल नेटवर्क क्या हो गया, नामकुम कांडरा रेल नेटवर्क, अब डायरेक्ट जमशेदपुर ट्रेन से जुड़ जाएगा। 16, चलिए एक कैंसर हॉस्पिटल का अभी उद्घाटन हुआ, आप जानते हैं झारखंड में बन रहा है, ये कहाँ है, तो कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर ये कहाँ है, ये है कांके, कांके कहाँ हो गया, रांची, कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कांके, विधिवत इसका उद्घाटन हो गया, मई महीने में ही उद्घाटन हुआ है। चलिए एक इंजीनियरिंग संस्था है राइट्स, सब जानते हैं उसको, राइट्स जो है वो DPR तैयार किया और बहुत जल्द झारखंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, अब जानते हैं कि रोपवे बनाया जाएगा, और झारखंड में एकमात्र रोपवे अभी जो वर्किंग कंडीशन में है वो है देवघर जिला में, लेकिन अब कई रोपवे बनाए जाएंगे, ये रोपवे कहाँ बनेंगे तो चलिए देख लीजिए। तो रोपवे का जो चयन हुआ है कहाँ बनना है, वो तीन फेमस जो वाटरफॉल है, हुंडरू प्लस दशम प्लस जोना, तो आप लोग बोल ही दिए होंगे जोना, ये तीन रोपवे जो है ये कहाँ बनेगा, ये रांची जिला हो गया, बिल्कुल स्पष्ट नॉलेज होना चाहिए, रांची जिला हो गया। इसके बाद चतरा में कुलेश्वर पहाड़ी, कलवा पहाड़ी या कुलेश्वर देवी मंदिर जहाँ है, ये कहाँ हो गया, चतरा, और ये एक योगिनी मंदिर है, कहाँ है आप कमेंट कर दीजिए,
अगर आप सीरीज मेरा देखे होंगे तो पता ही होगा, योगिनी माँ योगिनी मंदिर। चलिए कोई बात नहीं है, कमेंट किए तो अच्छे, नहीं कमेंट किए कोई बात नहीं है, यह है गोड्डा में। इस तरह अब आप गौर करके बताइए कि झारखंड में कितने रोपवे बनाए जाएंगे, तो 3 रोपवे हो गया रांची ज़िले में, 1 चतरा में और 1 गोड्डा में, यानी 5 रोपवे बनाया जाएगा। उसी तरह अगर बात करें स्काई वॉक की, जैसा अभी रिसेंटली बना हुआ है ना बिहार में बना है स्काई वॉक, तो उसी तरह स्काई वॉक के लिए स्काई वॉक 2 बनेंगे। तो स्काई वॉक कहाँ कहाँ बनेंगे उसको जान लीजिए, तो एक हो गया पतरातू और दूसरा नेतरहाट। चलिए पतरातू का डिस्ट्रिक्ट तो बताइए, रामगढ़, और नेतरहाट का डिस्ट्रिक्ट, नेतरहाट का डिस्ट्रिक्ट लातेहार। चलिए ये 2 क्या हो गया, तो ये 2 हो गया स्काई वॉक, और ये जो हुंडरू दशम जोना कुलेश्वर, ये क्या था, तो ये जो था रोपवे। ठीक है, तो रोपवे 5 बन रहा है, स्काई वॉक 2 बन रहा है, और इसकी जिम्मेदारी DPR तैयार कर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसे दी गई है, तो राइट्स को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके लिए ऊपर से मिटाना पड़ेगा। 19 नंबर में देखते हैं अवार्ड, इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये अवार्ड, आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या है कि झारखंड साहित्य अकादमी स्थापना संघर्ष समिति, झारखंड साहित्य अकादमी स्थापना संघर्ष समिति अवार्ड 2023, इसमें जो 3 अवार्ड है वो एकदम जानना जरूरी है कि किन्हें दिया गया है। चलिए इसमें देख लीजिए, सबसे पहले बिरसा मुंडा शिखर सम्मान, मंडा शिखर सम्मान, 3 सम्मान की बात करेंगे इसमें। इसके बाद दूसरा राधा कृष्ण स्मृति सम्मान, और एक जो हो जाता है श्रीनिवास पानुरी सम्मान। ये जो सम्मान दिया गया किसके द्वारा, तो झारखंड साहित्य अकादमी का जो स्थापना संघर्ष समिति है कि झारखंड में एक साहित्य अकादमी होना चाहिए, उसका स्थापना संघर्ष समिति द्वारा 2023 में ये पुरस्कार दिए गए हैं। उन्हीं पुरस्कारों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला पुरस्कार जो बिरसा मुंडा शिखर सम्मान है, ये मिला है शंभू बादल। फिर आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा इंपॉर्टेंट सम्मान है वो राधा कृष्ण स्मृति सम्मान, ये मिला है पंकज मित्र को। अगर JSSC ज़्यादा टफ ना पूछे तो ये सवाल शायद नहीं पूछे, लेकिन JPSC आपको निश्चित रूप से पूछने जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। श्रीनिवास पानुरी सम्मान जो है ये बासु बिहारी। और ये 3 सम्मान जो दिया गया, मैंने क्या कहा कि झारखंड साहित्य अकादमी स्थापना संघर्ष समिति द्वारा, लिख ही देते हैं कन्फ्यूजन नहीं हो, झारखंड साहित्य अकादमी स्थापना संघर्ष समिति, तेईस का ये सम्मान है। ये 3 सम्मान आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जानना बेहद ही ज़रूरी है। चलिए बीसवा जाते हैं, रिसेंटली क्या हुआ झारखंड में, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ, वो था झारखंड मेगा ट्रेड फेयर। वो क्या था, तो झारखंड इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर, ये रांची के मोरहाबादी में हुआ है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि झारखंड इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर जो हुआ है, इसमें 10 देश, 10 कंट्रीज प्लस 15 स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट किया था। कहाँ हुआ, रांची, मोरहाबादी जो ग्राउंड है रांची में क्या हुआ था, तो झारखंड इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर, जिसमें 10 देश और 15 राज्य पार्टिसिपेट किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 21वां न्यूज है रांची नगर निगम। देखिए एक सवाल, चूँकि हमारा JSSC और JPSC दोनों के सिलेबस में पंचायती राज और नगर निगम
सिलेबस में है, इसीलिए आपसे ये सवाल पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नगर निगम से जुड़ा हुआ है। आप अगर एग्ज़ाम दे रहे जान रहे हैं एक बार, तो ये भी पूछ दिया गया था कि नगर निगम में जो पैसा कटता है वो कौन सा बैंक के कार से कटता है, वो जेपीएससी का प्रीलिम्स में पूछा हुआ सवाल है। चलिए, इसमें क्या है कि नगर निगम क्या है कि रांची में जो सब्जी का बाज़ार लगता है, तो सब्जी बाज़ार में जो वेस्टेज होता है उस वेस्टेज को कलेक्ट करके जैविक खाद बनाने का प्लांट इस्टेब्लिश किया गया, किसके द्वारा? रांची नगर निगम के द्वारा। और रांची नगर निगम द्वारा जो जैविक खाद बनाया जा रहा है उसका ट्रेडमार्क पूछा जा सकता है। तो क्या हो गया, रांची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो जैविक खाद है इसका ट्रेडमार्क क्या, इसका जो ट्रेडमार्क इसका नाम क्या दिया है? तो इसका नाम है गोल्डन गोल्ड, नहीं नहीं गोल्डन गोल्ड नहीं है, गार्डन गोल्ड, गार्डन गोल्ड, गार्डन गोल्ड। ये क्या हो गया, किसके द्वारा ये ट्रेडमार्क पूछेगा, किस नाम से है, कौन बनाती है, आरएमसी। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि रांची में जो सब्जी बाजारें लगती है उसके जो वेस्टेज होता है उस वेस्टेज को कलेक्ट करके जैविक खाद बनाया जा रहा है, इसका नाम है गार्डन गोल्ड। चलिए, 22वां न्यूज़ देख लेते हैं। तो झारखंड में बनेगा मेडिको सिटी। ये मेडिको सिटी क्या होता है? तो मेडिको सिटी एक ऐसा जगह होगा जहां कम से कम 10 जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनेंगे, मतलब एक ऐसा जगह जहां हॉस्पिटल्स एक ही जगह बहुत सारे हॉस्पिटल्स होंगे और वहां सारा मेडिकल से जुड़ा हुआ सारा फैसिलिटी अवेलेबल होगा, चाहे टेस्ट हो या ट्रीटमेंट हो। ये मेडिको सिटी जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा रिनपास के कैंपस में, रिनपास के कैंपस में। रिनपास कहाँ है? कांके में है, कांके रांची, कांके रांची में रिनपास कैंपस में बनेगा मेडिको सिटी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज बन जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 23वां देख लेते हैं। एक सेंटर खुला है जो इंडिया में पहला है, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है और आपसे पूछा ही जाएगा। ये केवल झारखंड के एग्ज़ाम के लिए नहीं, झारखंड के बाहर भी किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। यह है सेंटर फॉर गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर फॉर गिलोय प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग एंड रिसर्च, ये बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कांके में है उसी के कैंपस में खुला है, कांके। ठीक है, इंडिया का पहला सेंटर फॉर गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च कहाँ खुला है? ये कांके रांची यानी झारखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको एकदम गौर कीजिएगा, सभी एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है। अब क्या है कि कुछ अब कुछ ही न्यूज बचा है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट है कि जो महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, महिला स्वयं सहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, सहायता समूह सम्मेलन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाएगा। कारण इसका क्या है, क्योंकि इसका जो चीफ गेस्ट महामहिम राष्ट्रपति थे, इसका चीफ गेस्ट कौन थी? महामहिम राष्ट्रपति। महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन खूंटी में हुआ और इसके चीफ गेस्ट थे, ये 25 मई 2023। ये क्या है कि खूंटी में आयोजित हुआ और इसके मुख्य जो चीफ गेस्ट वो महामहिम राष्ट्रपति जी थी। और अंत में जो 25वां न्यूज है कि जो रिम्स है, झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर रिम्स, रिम्स में जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल हुआ था और हड़ताल के कारण क्या हुआ था कि लगभग 28 या 30 ऐसे संख्या मुझे याद नहीं आ रहा, 28 या 30 ऐसे मरीज थे जो इलाज के अभाव में जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो रिम्स में जूनियर डॉक्टरों के स्ट्राइक के कारण जो लोग मारे गए थे उसके कारण क्या हुआ है कि एक सदस्य जाँच कमेटी बनाई गई, जाँच कमेटी, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए। एक सदस्यीय जांच कमेटी जो बनी वह न्यायमूर्ति सज्जन कुमार दुबे,
ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा है कि इससे पहले जितने भी एक सदस्यीय कमेटी बन रही थी वो झारखंड के हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस बीके गुप्ता, विनोद कुमार गुप्ता के अध्यक्षता में बन रहे थे, इसलिए वहाँ सीधे सीधे आपका ऑप्शन, आपके दिमाग में एक ही ऑप्शन रहता कि यही विनोद कुमार गुप्ता होंगे, लेकिन यहाँ डिफरेंट हो गया, इसलिए इसको जानना जरूरी है। एक सदस्यीय जाँच कमेटी न्यायाधिकरण सज्जन कुमार दुबे, रिम्स में क्या हुआ था, जो स्ट्राइक हुई थी रिम्स में, स्ट्राइक के कारण जो मृत्यु हुई थी उसके लिए ये कमेटी का गठन किया गया था। इस तरह आप देख रहे हैं मई महीने के टॉप 25 न्यूज़ को।